एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए आकाश के ऑफिस। आकाश की ऑफिस की तरफ से हमें वैक्सीनेशन लग रहा है और ये अद्वैत जी सो रहे हैं आराम से। ऐसा लगता है कि मेरा गोद नहीं है, इनके लिए गद्दा बन चुका है मेरा गोद। जब भी गाड़ी में बैठना है ये सो जाता है। और नींद तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी है, मुझे भी लगी है, आकाश को भी लगी है, क्योंकि मैं सुबह सुबह सोई थी 6 साढ़े 6 बजे और फिर मुझे 11 बजे उठना पड़ा। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है नींद से, मैं बहुत लेज़ी लेज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा ही लेज़ी हूँ। आकाश भी, आकाश तो चिड़े हुए अभी चिड़े चिड़े से हो रहा है, इसलिए हम आकाश की तरफ कैमरा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आकाश गुस्से में है क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं। हमें जाना है अंधेरी। हम लोग अभी दही सदाई से पहुंच रहे, कांदीवली पहुंच चुके हैं और जा रहे जा रहे जा रहे। अब पता है आज क्या हुआ मेरे पास ना? आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास जो जितने भी कपड़े, ओ ये क्या हुआ? आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास जितने भी कपड़े हैं, जितनी भी कुर्ती है, सब मतलब 3/4 स्लीव्स हैं सबकी। और मुझे आज कपड़े ढूंढने में इतनी दिक्कत हुई, मैं क्या पहनूँ यार, मैं क्या पहनूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन जो लगेगा वो तो हाथों पे लगेगा और इतनी लंबी लंबी स्लीव्स वाली कुर्तियाँ हैं मेरे पास। सिर्फ एक ये सिंगल था जो इतने स्लीव्स का है और ये मैंने कल पहना था और मैंने आज भी पहन लिया और मैं नहाई हूँ, नहाने के बाद पहना है मैंने ये, क्योंकि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को ये, देख बहुत बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। मैं गाड़ी में भी सो सकता हूँ। हम लोग इतनी इतनी जल्दबाजी में रेडी हुए ना। आकाश का तो मतलब लड़के लोग का तो पता ही है, बस कपड़े पहने और निकल लिए, बालों में तेल लगाया, निकल लिए। और मैंने आज बिल्कुल मेकअप नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिपस्टिक हल्की सी लगाई है और काजल लगाया। मैंने काजल ही ऊपर ही लगा लिया, मतलब लाइनर की जगह पर, क्योंकि मेरा लाइनर ख़त्म हो चुका है। मैंने बिल्कुल आज मेकअप नहीं कर रखा है, मेरे डार्क सर्कल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं होममेड पैक वगैरह लगाती रहती हूँ, इसलिए मुझे कोई पिंपल नहीं है क्योंकि मैं होममेड मास्क लगाती रहती हूँ, कुछ नहीं लगाया मैंने फेस। आप लोग अगर जानना चाहते हो मैं कौन से होममेड मास्क लगाती हूँ और मैं घर पे ही कैसे फेशियल करती हूँ नेचुरल चीज़ों से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आगे बहुत सारे DIY होम मास्क, फेस पैक, ये सब आपको सिखा दूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं आर्य कॉलोनी से, आर्य कॉलोनी जाएंगे ना, हाँ आर्य कॉलोनी से जाएंगे। मैं आज तक गई नहीं हूँ, मुझे 3 से 3.5 साल हो चुका है मुंबई में, बट मैं उधर नहीं गई। लेकिन आर्य कॉलोनी से जो मुझे एक किस्सा याद आता है वो ये याद आता है कि मेरा एक देवर है नीलेश, उसने मुझे इतनी हॉरर स्टोरीज बताई है ना वहाँ की, इतनी हॉरर स्टोरीज बताई है कि आर्य कॉलोनी इज इक्वल टू हॉरर प्लेस मेरे लिए, मेरे लिए वो हॉरर प्लेस है। उसने बोला है कि, मतलब बोला था कि रात में वहाँ नहीं जाना चाहिए आर्य कॉलोनी में, क्योंकि वहाँ पे भूत घूमते हैं, चुड़ैल घूमती हैं। मुझे नहीं पता कितना सच कितना झूठ है, बट मुझे अब वहाँ से डर लगता है और आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उस तरफ से। अब हम लोग आर्य कॉलोनी में प्रवेश करने वाले हैं आर्य कॉलोनी में। मैं आपको देखती हूँ, दिखाती हूँ, देखती हूँ, नहीं मैं आप लोग को दिखाती हूँ, देखती नहीं हूँ, मैं देख कैसे सकती हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हो, मैं आप लोग को नहीं देख सकती, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ आर्य कॉलोनी। जो मुंबई के लोग हैं उन लोगों ने तो देखा ही होगा, बट जो हम दिल्ली वाले हैं मेरे जैसे या फिर और किसी और जगह की हैं उन लोगों ने नहीं देखा होगा, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा है। रेडी रेडी रहना। अब मैं भूतिया कॉलोनी में एंटर कर चुकी हूँ। ये नीलेश, नीलेश ने बताया मुझे ये आर्य कॉलोनी है और इसमें ये देखिए बीचों बीच पेड़ लगा दिया है, बताइए
अपन बीचों बीच पेड़ नहीं लगाया, पेड़ तो पहले से ही था, सड़क बना दी अजीब सी। और ये चारों तरफ है पेड़ ही पेड़। और यहाँ पे काफी शूट भी होते हैं सीरियल के, है ना? हाँ, सीरियल्स के लिए शूट होते हैं यहाँ पे। मस्त इलाका है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसने ना मुझे नेशनल पार्क की याद दिला दी। ये नेशनल पार्क ही है, मुझे नहीं पता था ये चीज़। बट यार इसमें अगर आप इस रोड पे रात में आ रहे हो ना और कार से आ रहे हो तो पक्का वो किसी वक्त लग सकता है कि सामने एक औरत साड़ी पहन के, वाइट साड़ी पहन के आ सकती है। कभी भी किसी की होती है, ऐसा इलाका है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वापस भी इसी रास्ते से आना चाहूँगी। और मैं आप लोग को अच्छे से नहीं दिखा पाई, फोन हिल रहा था क्योंकि आज मैं अपनी स्टिक नहीं लेकर आई हूँ, भूल गई हूँ, तो मुझे हाथ से ही कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। मस्त है यार, बारिश के मौसम में आप लोग को आना चाहिए यहाँ पे। ऑब्वियसली जो मुंबई में रहते हैं वो तो आए ही होंगे, उन लोगों के लिए तो नॉर्मल है। बट अगर कोई दूसरे स्टेट से आ रहा है या फिर आया हुआ है और घूमना चाह रहा है तो यार इस रोड पे आना बनता है। व्हाइटहेड जूनियर का आकाश फोन पकड़ना। पार्किंग कहाँ पे है? पार्किंग अपना व्हाइटहेड जूनियर। आकाश हाँ यस ठीक है, थैंक यू। सबसे अजीब चीज़ बताओ, आकाश को पता ही नहीं है कि उसका ऑफिस किधर है, क्योंकि आकाश खुद फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस में आ रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम पे ही जॉब लगी थी और एक साल से लॉकडाउन है, मैं थक गई सीढ़ियाँ चढ़कर।
तो आकाश, हाँ आकाश को खुद को ही नहीं पता कि उनका ऑफिस कहाँ है, और मैं बंद कर देती हूँ अब क्योंकि लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं, खास करके मुझे, कि मैं खुद से ही क्या बतिया रही हूँ। तो वैक्सीनेशन का मैं देखती हूँ, अगर रिकॉर्ड हो सकता है तो मैं करती हूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ गाड़ी में। सो चुके हैं तो मैं इन्हें बिल्कुल नहीं हिला सकती, वरना ये उठ जाएगा और नींद की वजह से ये बहुत बहुत परेशान हो चुका है। अभी तक तो मतलब इतनी जल्दी तो वैसे भी साइड इफेक्ट नहीं पता चलेंगे, आधे घंटे के बाद ही पता चलता है कुछ भी अगर साइड इफेक्ट होता है तो। और हम लोग 15 मिनट में ही निकल गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोने लगा था। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ हल्का हल्का पेन हो रहा है हाथ में, हल्का हल्का ही पेन है। और क्या आकाश को वो पेन नहीं हो रहा, उसका रीज़न ये हो सकता है कि मैंने बेबी को लिया हुआ है इसी हाथ पे, जिस हाथ पे मतलब लगा है वैक्सीनेशन उसी हाथ पे मैंने बेबी को लिया हुआ है काफ़ी टाइम से। तो वो रीज़न हो सकता है कि मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि आकाश को पेन नहीं हो रहा। और वैसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब चक्कर वक्कर कुछ नहीं आए। काफ़ी लोगों को आते हैं, सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी वैक्सीनेशन पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ अगर फीवर आता है तो वो थोड़ी देर में आ सकता है, बट वो भी सबको नहीं आता। मेरे पापा ने वैक्सीनेशन लगवाया था, फर्स्ट डोज उन्होंने लिया था, तो उनको नहीं आया था फीवर। बट जैसा कि मैंने बोला कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो देखते हैं अभी हमें आता है कि नहीं आता। अभी तो फ़िलहाल बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे नहीं पता कि इस वैक्सीनेशन के बाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। खा सकते हैं खाना, हाँ खा सकते हैं। तो हम लोग कुछ रास्ते में ही देखेंगे, अगर कुछ खाएं मिल जाए तो। और मुझे चाय की जो तलब लग रही है ना यार, गंदी वाली चाय की तलब लग रही है। चाय नहीं पी मैंने सुबह उठी और नहाई मैं, वो भी नहाई इसलिए क्योंकि मेरी आदत है मैं बिना नहाए कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, आज तक तो मैं नहीं निकली। तो बस वही मुझे जल्दी जल्दी नहा ली और निकल गए हम लोग घर से। चाय तक नहीं पी, सोचो जो चाय पीते हैं ना वो लोग मेरे इस तलब को समझ सकते हैं, जिन्हें सुबह सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है। 3 बज चुके हैं और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली है अभी। हाँ ऑफिस में चाय थी लेकिन ठंडी हो गई, मैं पता स्पेशली गई। मैं वैसे मतलब इतनी जल्दी अनजान लोगों से बात नहीं करती, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जब मेरे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मैं नहीं जानती। लेकिन फिर भी पता है मैं चाय के लिए गई पूछने के लिए इसमें चाय है वो बोल उल्टा मुझे मिलता है जवाब कि चाय तो है लेकिन ठंडी हो चुकी है। एक तो इतनी हिम्मत जुटा के गई चाय मांगने के लिए क्योंकि आकाश भी वहाँ पे नहीं थे, मुझे ही जाना पड़ा, आकाश रजिस्ट्रेशन के लिए गए होते और मुझे चाय नहीं मिली। सोचो मेरी सारी मेहनत खराब हो गई, हिम्मत जुटाई थी मैंने, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, अभी रास्ते में कहीं चाय मिलेगी तो मैं चाय पीऊंगी। वैसे पता है आज सुबह मैं उठी और मैं उठी इसी शर्त पे, मुझे बहुत नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैं पहले तो मैंने आकाश को बोला कि यार कल करवाते हैं, आज नहीं कराते वैक्सीनेशन, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर आकाश बोले नहीं आज ही कराना पड़ेगा, आज ही का है मुझे मिला हुआ है अपॉइंटमेंट। तो फिर मैंने कहा ठीक है, नींद में मैंने बोला छोले भटूरे खिलाओगे। मैं उसी शर्त पर उठी, मुझे उसका अभी तक जवाब नहीं मिला कि छोले भटूरे मुझे खाने को मिलेंगे। वैसे मुझे मुंबई के छोले भटूरे पसंद भी नहीं है, दिल्ली के छोले भटूरे फेमस हैं। मोमोज और छोले भटूरे और चाउमीन, ये 3 चीज़ तो भाई दिल्ली की ही अच्छी लगती है, मुंबई की तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मुंबई के तो नूडल्स होते हैं, नूडल्स हाई फाई वाले, अपन लोग गली के खाने वाले रोड पे जो मिलता है चाउमीन है। पानी आ गया मेरे।
घंटा हो गया वैक्सीनेशन लिए हुए और अब मुझे लग रहा है कि मुझे हल्का हल्का फीवर आ रहा है। अब फीवर का असर मतलब वैक्सीनेशन का असर है या फिर नींद का असर है पता नहीं, बट कुछ तो हो रहा है। दिमाग मतलब दिमाग कह रही हो, सर भी काफ़ी भारी भारी सा लग रहा है। बस फीवर ना आए यही मैं चाहती हूँ। मैं कितना चेंज हो जाता है ना इंसान। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं चाहती थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो और मुझे स्कूल से छुटकारा मिल जाए। इतने नाटक करती थी मैं स्कूल से बचने के लिए। मतलब मैंने तो यहाँ तक बहाने बनाए हुए थे कि मुझे पिछले जन्म का याद आ रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे फीवर ना हो। मतलब बचपन में जिसे तबीयत ख़राब करने का शौक था वो चाहती है कि अभी तबीयत ख़राब ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे इसे संभालना है। और अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो फिर इसे कौन संभालेगा? इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सही कहा है किसी ने, माँ माँ ही होती है, अलग लेवल का लेवल की होती है माँ। अभी बस तबीयत नहीं खराब हो क्योंकि फिर कोई इसको संभालने के लिए नहीं है। सब कुछ बाहर बंद था, कुछ खाने को नहीं मिला, कहीं कुछ चाय वाय नहीं मिली। अब घर पे जाके ही बनाने वाली हूँ मैं चाय। बट भाईंदर में ही मेरा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है सुजॉय, उससे हम लोगों ने खूब सारा खाना ले लिया है। हमने नॉन वेज ट्रिपल राइस लिया है, लॉलीपॉप लिया है और चिकन तंदूरी लिया है। अब मैं वो घर पे जाके खाने वाली हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ आज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और खूब सारा शेयर करना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।